साथियों मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र के रीवा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म से संस्कारों की होड़ लगी हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती सजगता जागरूकता के कारण कार्यक्रमों की होड़ मची हुई। जी साथियों, ये कार्यक्रम का जो पहला वीडियो है ये है रामराज साकेत फौजी साहब डिगरहाट सतना जिले के। जी साथियों, इसमें परम पूज्य भंते ब्रजलाल बौद्ध एवं बौद्धाचार्य स्वयं अनिल कुमार आनंद। तो जी साथियों, इसी तरह से और भी 6 वीडियो इस कार्यक्रम के दिए गए हैं, कृपया पूरा वीडियो देखें तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। और साथियों, बौद्ध रीति रिवाज से संस्कारों के लिए हमारे पास बहुत सारे भंते और बौद्धाचार्य हैं। यदि आपको ऐसा कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगले जो कार्यक्रम की वीडियो उसकी भी जानकारी मैं प्रेषित करूंगा। ये वीडियो कार्यक्रम जो दिया गया है साथियों, ये घर प्रवेश यानी गृह प्रवेश में बौद्ध रीति-रिवाज़ कैसे किए गए, ये भी दूसरा वीडियो साथियों सिमरिया में ब्रजनंदन साकेत जी हैं उनके निज निवास में नए घर का निर्माण हुआ, उसके उद्घाटन के के लिए बौद्धाचार्य कुमार आनंद परम विद्यार्थी हैं, इनके माध्यम से कार्यक्रम संपन्न कराएगा। इस वीडियो में भी संगीत में धम्म देशना का आयोजन किया गया था, बुद्ध चरित चंद्रोदय का भी आयोजन किया गया था। जी साथी, बुद्ध चरित चंद्रोदय गाथा का आयोजन भी किया गया था। बड़ी धूमधाम से भी इस तरह से बौद्ध संस्कारों का आयोजन किया गया था जो आने वाले समय में परिवर्तन एवं जागरूकता एवं वैज्ञानिकता की एक मिसाल स्थापित करेगा। जी साथियों, कार्यक्रम का उद्देश्य बौद्ध धर्म में नहीं होता है, इसमें साथियों बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। दूसरा वीडियो यही उसी का है, गीत संगीत कार्यक्रम था, इसमें भी इसका वीडियो है। एक मंडली रमेश साकेत चक गई कही है। साथियों, इस तरह से समरीय क्षेत्र ही नहीं वरण रीवा सतना एवं संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रमों की जो आए दिन इतनी यानी कि SC/ST/OBC में 50% से ऊपर बौद्ध रीति रिवाज से सारे संस्कार संपन्न होने लगे हैं, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म की अभिन्नता विंध्य क्षेत्र में उसी तरह से महाराष्ट्र जैसे होने वाली है और लोग जातिवाद और मनोवाद अंधविश्वास से लड़ चुके हैं, अपने मानवतावादी प्रेम करुणा और समानता के सिद्धांत के आधारित बौद्ध बढ़ रहे हैं। जी साथियों, तो ये वीडियो है चपरही से और गायक मंडली का। फिर ये अगला वीडियो साथियों, ये तो अनोखी शादी है साथियों, इसमें डेंगरहाट में पुनः से एक और कार्यक्रम सांस्कृतिक हुआ, बौद्ध धम्म से शादी, जिसमें लड़की बारात लेके आई और पूरे संगीतमय के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ये शादी संपन्न हुई और इसको महिला संस्कारक द्वारा संपन्न कराया गया। जी साथियों, इस तरह से बौद्ध रीति रिवाज की शादियाँ और संस्कार, विभिन्न तरह के जो जीवन में संस्कार होते हैं वो सारे बौद्ध रीति रिवाज कराए जा रहे हैं। देखिए साथियों, लड़की का आगमन है अपने फोर व्हीलर से और लड़के की एक कार्यक्रम समरिया तहसील के ग्राम पड़रिया में बुद्ध चरित चंद्रोदय का है, ये समापन का कार्यक्रम है। इसके एक दिन पूर्व बैठक हुई थी बुद्ध चरित बुद्ध कथा का और आज ही इसके बाद जस्ट मैं बुद्ध कथा का आयोजन करूंगा। तो साथियों, समरिया क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग बड़ी खुशी से इस मनवादी और जातिवादी और अंधविश्वासी धर्म से लोग बाहर आकर के नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, बद्ध बुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, बाबा साहब की ओर जा रहे हैं। साथियों, ये बुद्ध चरित चंद्रोदय का समापन है एवं बुद्ध आरती चंद्रोदय आरती का कार्यक्रम किया जा रहा है। आयोजक थे प्रभु दयाल साकेत जी ग्राम पड़रिया समरिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अनुग्रह जय। साथियों, कार्यक्रम का ये वीडियो सतना जिले के ही नई बस्ती, जो सतना के शहर से ही सेंट्रल जेल के पास नई बस्ती है, उसके एक सामान्य मजदूर परिवार के, गरीब परिवार के व्यक्ति ने कार्यक्रम आयोजित किया था। ये उपासक का मुझे नाम याद नहीं है, ये बुद्ध कथा का वीडियो है जिन्होंने कराया था और मैंने किया था। सभी उपासकों को, कथा आयोजकों को, अपने धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय जय भीम।
भागवत सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण रहे, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी संपन्न रहे। साथ ही यह कार्यक्रम का वीडियो जो है श्रद्धांजलि समारोह है, इसको शांति पाठ का कार्यक्रम है। ये सेमरिया के नज़दीक बिलहाई गांव में रामनाथ बौद्ध जी की माता भीमी बौद्ध का पन निर्माण हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी, उनके ही इस शांति समारोह के यानी श्रद्धांजलि समारोह का वीडियो है। तो साथियों सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी तरह से ये जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग, पूरे भारतवर्ष में एक दिन फैल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और यही मानवता के लिए सत्य भी है। वैज्ञानिक और सर्वोत्तम धर्म की पहचान क्या है? करुणा, शील और ज्ञान और समाधि। तो धन्यवाद साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। चैनल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें।